अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मजे में होंगे। मेरी दुआ जी मुझे देखने वाले जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह पाक आप लोग को अपने घरों पे खुश रखे, आमीन सुबह आमीन। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल पे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं आप। हाँ जी, आज की वीडियो है जी मेरे कपड़ों के बारे में, यानी ईद के कपड़ों के बारे में, गर्मी के कपड़ों के बारे में। मैंने इकट्ठे ही ले लिए थे और इकट्ठे ही सिलाई करवा लिए थे, सिलाई काफी दिन से करवाई थी, मैंने कहा इकट्ठे हो जाते हैं ना, जरा 5-6 सूट फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक सूट मैं अपना कर चुकी हूँ, और जो मैंने ईद पे मैंने जो मेन जो मेरे सूट है ना वो 3 है, तो आप लोगों के साथ तीनों शेयर करूंगी। तो हाँ जी, और आप लोग भी कमेंट में लाजमी बताइएगा कि इन कपड़ों में से सबसे ज्यादा जो सूट है वो प्यारा कौन सा है। मुझे तो जर सी बात है, मेरे कपड़े सभी प्यारे लगेंगे, लेकिन आप लोगों ने लाजमी अपने राय का सारे कमेंट बॉक्स में करना है। हाँ जी, देखें जी, ये है शर्ट और ये ना फुल कढ़ाई से भरी है, और इसमें है जी 3 से 4 कलर। एक तो मेन जो कलर आपको पता है कि ये ब्लू कलर है, और ये देखें जी इसकी बाजू पर भी सारी कढ़ाई भी है, और इसके मैंने ये बेल बाजू रखवाया है, और बस छोटा सा आगे से बेल रखवाया, और इस पर जी ऑरेंज कलर की लेस लगवाई है, क्योंकि इसमें जो कलर है ना, इसमें एक रेड कलर है, ऑरेंज है, ब्लैक है, और जी जो मेन आपको पता है शर्ट का कलर है ब्लू है, और पीछे से बिल्कुल प्लेन है। ये देखें जी, बस फिर इसके चाकों पर और घेरे पर ये देखें जी मैंने चौड़ी वाली इस पर पाइपिंग लगवाई है, ताकि नीचे से दिखाई दे तो अच्छी लगे जी। इसके साथ बिल्कुल प्लेन ट्राउजर, इसका सेम इसके बेस के कलर का, तो ये जी मैंने इसके पोंचो पर बनाया है, बनवाया है ये डिज़ाइन, क्योंकि बनाने की तो मेरी हिम्मत नहीं होती। मेरा माशाल्लाह से बच्चा छोटा और माशाल्लाह से 4 है, और फिर घर भी, तो इतनी मैं खुद सिलाई नहीं कर सकती, कर लेती हूँ लेकिन डिज़ाइन वगैरह के साथ नहीं कर सकती। और इस पर आपको पता है कि जिनके माशाल्लाह बच्चे हो तो वो हमारे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो जी मैंने सिलाई करवाया इस पर अपने सारे कपड़े, जिसका दुपट्टा है मल्टी कलर में, यानी 3 कलर्स में इसका दुपट्टा भी मैंने डाई करवाया। मेरा ये न्यू दुपट्टा रखा हुआ था क्रिंकल का, तो ये मेरे किसी काम नहीं आ रहा था, तो ये मुझे 2-पीस सूट अच्छा लगा था, इसके कलर बहुत प्यारे थे, तो मैंने इसको बाय कर लिया। और साथ में जी मैंने इसके साथ 3 कलर का इसका दुपट्टा डाई करवाया, ये देखें, और आप लोग बताना कि दुपट्टा कैसा लग रहा है। ये इसके साथ मैचिंग हो गया इसकी कढ़ाई के साथ, और ये मशाला बहुत प्यारा लग रहा है। ये जो था ना, मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे इस चीज़ का मशवरा दिया था, कहते यार जिसमें कलर है ना आप सारे कलर का डाई करो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो फिर इसलिए मैंने इसको 3 कलर में डाई करवाया। मशाला ये बहुत प्यारा लग रहा है, आप लोग भी कमेंट में लाजमी बताइएगा कि दुपट्टा इसके साथ अच्छा लग रहा है, यानी मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। जब वीडियो बनाने लगो ना, या तो गली में कोई आ जाता है, या ये उस तरफ करके दिखाएंगे। एक मेरा जिन उठ इतना गुस्से में घूम रहा, इतना गुस्से में देख रहा है यार, कितने दिनों से वीडियो बनाने लगती है, वीडियो पता नहीं क्या बार नहीं दी पा रही है। मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है ना, जब ये इंसान मुझे तंग करने लगता है, उसे कोई काम ही नहीं होता और गुस्से में। चले जी, ये है दूसरा सूट, ये सारा इसका कढ़ाई है ब्लैक और स्किन कलर की, और ये सारा जी इसका प्रिंट है, और इसके भी चाकों पर मैंने लगवाई है पाइपिंग पिंक कलर की, क्योंकि इसमें देखिए जी पिंक कलर था, तो मैंने कहा पिंक ज़्यादा अच्छी लगी इसलिए पिंक रखवाई है, और इसके भी थोड़े से बेल बाजू रखवाए, और ये जिस पे प्रिंटेड है सारा, इसकी बैग भी बहुत प्यारी बनी है। ये देखें, ये है इसका प्लेन ट्राउज़र, और जी इसकी हुई भी है साइडों पर कढ़ाई दोनों पोंचों पर, इसकी कढ़ाई भी थी इसलिए मैंने इसके पोंचो डिज़ाइन वाले नहीं बनाए, क्योंकि ऑलरेडी देखें कितना ज़्यादा काम हुआ, तो फिर अगर इसके मैं पोंचो भी डिज़ाइन वाले बना लेती तो वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाती, पेंटू पेंटू सा बंदा लगता है, इसलिए सिर्फ मैंने, और ये बहुत प्यारी लग रही है देखें ब्लैक और स्किन कलर का रामिया पूरा उमरा। तो जी ये है इसका ट्राउजर, और इसके साथ ना उन्होंने कंट्रास्ट बटा दिया हुआ पर्पल कलर का, झंडा जो कलर होता है ना वो उस कलर का दुपट्टा ही, और इस पे ये मैंने जी पिको करवाई है चारों साइडों पे, और जी पल्लों पर ही मैंने इसके रिंग लगवाए हैं, 5-5 रिंग ने इसके मैंने दोनों साइडों पे लगवाए। हाँ जी, ये है थर्ड सूट, और इसका ये देखिए जी मैंने ये इंडियन गला बनवाया है, और ये देखिए इसका सारा जो ये नीचे कढ़ाई हुई है, ऊपर इसके पर्ल्स और ये स्टोन लगे हुए सारे एंड तक, ये देखिए सारा बराबर। और ये मेरा दिल है फर्स्ट डे पहनने पे ईद के, क्योंकि अगर गर्मी ना ना हुई फिर तो पहनूंगी ब्लू वाला जिसपे सारा कढ़ाई में बढ़ा हुआ है, और अगर गर्मी हुई तो फिर ये पहनूंगी, क्योंकि ये थोड़ी लोन है, इसमें जरा हवा लगती है, वो मुझे ना कॉटन टाइप का है तो वो भी लो, लेकिन ना वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो उसको पहन के चूल्हे के आगे काम नहीं होगा, तो हमने तो काम चूल्हे के आगे करना ही करना होता चाहे कुछ हो। तो जी ये है इसके बाजू, बाजू भी थोड़े प्यारे बने हुए, और बस मैंने इस पर भी लगवाई है करवाई है पाइपिंग लगवाई है पिंक कलर की, ये है जी बनारसी कपड़ा जिसको बोलते हैं ना, वो है बनारसी कपड़े की पाइपिंग लगवाई है चारों साइडों पे, घेरे पे भी और चाकों पर भी,
और जी ये है इसकी बैक, ये भी ऐसे लगता है जैसे कढ़ाई हुई है, लेकिन ये कढ़ाई नहीं है, बस ये प्रिंट है सारा। ये है जी इसका दुपट्टा, ये है इसका प्रिंट, और इस पे भी मैंने ये पिको करवाई है चारों साइडों पर, और इसमें मैंने छोटे वाले रिंग लगवाए हैं, एक पे बड़े लगवाए थे, एक पे छोटे लगवाए थे। इनका पहला एक्सपीरियंस है, चल तो ये बहुत अरसे से नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम करवाई है। मैं ज़्यादा बेबी पिको ही करवाती हूँ, ये नहीं करवाती, इस बार करवाई है। देखिए मैंने कहा कैसे, क्योंकि घर में ही लेने होते, ज़्यादातर मैं दुपट्टे लेती हूँ क्योंकि मेरे पे इतने टिकते नहीं हो, मुझे इनमें गर्मी बहुत लगती है, इसलिए मैं लोअर का दुपट्टा लेती हूँ। तो जी इस पे करवाई है ये पिको, और इसकी शलवार भी सिलने वाली पड़ी है एक। अब आप शोर करोगे, वीडियो नहीं बना दोगे, तो ईद में सिर्फ अब 2 से 3 दिन बचे हैं, तो मैंने कहा वीडियो मेरी लेट हो रही है, तो ट्राउजर तो बीच में सिल ही जाएगा, मैं खुद सिलाई मैंने करना है, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ वीडियो बनाने लगी। ट्राउजर इसका आपको जब सिलेगा ना या पहनूंगी, फिर आपको बाद में शेयर करूंगी। ये है जी फोर्थ सूट, और ये इसको पता नहीं क्या कलर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, जो आपको समझ में आए वो कह लेता। पीच सा कलर है, पीच कलर के ऊपर ब्लैक और ग्रे कलर का, ग्रे काम हुआ है, यानी ये सारा इस पे कढ़ाई हुई है। बेटे जी मुझे वीडियो बना लेने दे, आ हा पूरी बात। तो जी इस पे सारे लगे हुए, और ये सारी इस पे कढ़ाई हुई है, और ये है इसका बॉर्डर। और इस पे भी मैंने यही वाली पाइपिंग लगवाई है चारों साइडों पर, इसके साथ मैचिंग करके। और जी ये है इसके बाजू का प्रिंट सारा, ये देखें। और बस जी इसका थोड़ा सा जो बे शेप का गला होता है ना, वो बोर्ड शेप का जिसको कहते हैं, बस वो उन्होंने खुद ही रख दिया, मैंने नहीं उन्हें कहा था। और जी ये है इसकी सारी बैग, सारी प्रिंटेड, और इसका दुपट्टा जो है ना वो बहुत प्यारा है। अच्छा जी ये इसके साथ है ब्लैक कलर का ट्राउजर। बट एक मिनट जी, ये मैंने इस पर साइड पे प्रिंट डलवाई है साइड पे, यानी वी शेप में करके, और ये खुद ही इसका बॉर्डर बचा हुआ था, तो उन्होंने इसके पोंचे पर लगा दिया। तो जी ये हो गया इसका ट्राउजर, और ये है जी इसका दुपट्टा। इसके दुपट्टे में मैंने बिल्कुल प्लेन ये बेबी पिको करवाई है, ज्यादा नहीं करवाई क्योंकि ऑलरेडी इस पे करवानी थी, मैंने ये घर में ज्यादातर पहनने आ रहे थे मैंने इतना, तो इसका एक रिंकल का दुपट्टा ये बहुत प्यारा इसका प्रिंट है सारा। फाइव सूट, अच्छा इसका ना ये ज्यादा ऊपर तक कढ़ाई गई हुई थी, तो उन्होंने बीच में से निकाल दिया, और ये वैसे साइडों पर ले आई, वैसे ये भी अच्छा लग रहा है गोल बना के सा। और ये सारी जिस पे कढ़ाई हुई है, और ये नीचे ही है इसका बॉर्डर, ऐसे ही इसका यहाँ से सारा प्रिंट हुआ है, और ये आगे बेल्ट बनाकर उन्होंने लगा दी है, इस पर भी पाइपिंग चाकू पर घेरे पर लगा दी है पाइपिंग। और ये है इसकी बैग सारी फुल, अच्छा मैं ज़्यादातर प्रिंटेड पहनती हूँ, प्लेन नहीं पहनती क्योंकि प्लेन में ना बंदा ज़्यादा मोटा मोटा लगता है, अब ऑलरेडी इतने मोटे हैं तो वो बंदा फैला फैला सा लगता है इसलिए। और जी ये है इसका ट्राउजर, प्लेन था तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा काम करवाया, तीन प्लेस डलवानी है, और जी ये कट वाले पोंचे बनवाए हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ड्रॉ पे चल रहा है काम, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर फैंसी काम करवा लिया। पर्स नहीं मैं लगवाती, मुझे चुभते हैं, मैं नमाज वगैरह पढ़ने लगो ना तो फोन शर्ट के घुटने पर लगते हैं, तो वो ऐसे जैसे ही लगता है ना वैसे लगता है इंसान की जान निकल गई, इतने बुरे चुभते हैं ये। और जी ये है इसका दुपट्टा क्रिंकल का, और बहुत अच्छी ये अच्छा, ये जो अच्छे वाले क्रिंकल होते हैं ना, ये उसका आपको देखने से पता लग रहा होगा कि इतना ये असली दुपट्टा है, ये इसके ना पूरे दुपट्टे पर पिक हुई है, ये मैंने लिया था ना तभी इस पर सारी ये हुई हुई थी, लेस लगी हुई है, पहले उन्होंने पिको लगाई की हुई है, उसके बाद ही उन्होंने ऊपर से लेस लगाई है। और ये है इसका सारा प्रिंट, और पीछे जो आपको आवाजें आ रही है वो मेरे काकी की आ रही है, वो वीडियो नहीं बना रही है। ये देखिए ये है इसका सारा प्रिंट। तो जी ये हो गए 5 सूट, एक मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, और 4 ही अभी सिलाई होने वाले और पड़े हैं, 3 जो सिलाई होने वाले पड़े हैं, 1 की शर्ट सिल गई है, और अभी उसका ट्राउजर नहीं सिला, तो वो सारे निकम्मे काम मेरे अपने हैं, जब वो सिल जाएगा वैसे ही आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूंगी। ये ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो ये मेरे ईद के कपड़े थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो दिन तो काम बनानी तो पहले थी, जनाब की वजह से नहीं बना सकी क्योंकि
उल्टी क्यों देखा, साथ साथ एक्सप्लेन किया जा रहा, उल्टी मोशन लगे, मैं तो बीमार हुआ था, फिर ये ठीक हुआ, बड़ा बेटा बीमार हो गया, फिर वो ठीक हुआ, फिर मैं खुद हो गई, बस सारा कुछ साथ ही चलता जा रहा है। जो अगर टाइम मिलता है तो जनाब और वीडियो नहीं बनाने देते, इसीलिए वीडियो लेट होगी, नहीं तो मैंने पहले अपलोड कर देनी थी ताकि आप लोग भी से आइडिया लेकर अपने कपड़े बनवा सके। चले जी लेट हो रहे हैं और वीडियो लंबी हो रही है, बच्चा बनाने नहीं दे रहा, तो वीडियो का करेंगे यही एंड, साथ में लुक भी दे रहे थे। ये देखे जी आ गया मेरा काका, क्या हो रहा है, आ गया मेरा काका जो पीछे से टूटा टी किए जा रहा था, अपने पापा की गोदी में वीडियो नहीं बनाने दे रहा। वीडियो करेंगे यही एंड, आप लोग बताइएगा मेरा ड्रेस कौन सा सबसे ज्यादा प्यारा है, कौन सा पहनो, आप लोग भी लाजमी बता रहे हैं कि कौन सा है पहने, कौन से सबसे ज्यादा पापा के कपड़े प्यारे हैं। तो जो भी चैनल पे मेरी बहने भाई ने तो वीडियो देखते हैं साथ में, प्लीज सब्सक्राइब भी किया करें और अपना कमेंट का इजहार भी किया कीजिए, अपनी राय का इजहार किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।